प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो जाए और मगन हो जाए। परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष दे। साम्स 80 भजन संहिता 80 उसका तीसरी आयत, सातवां आयत, 19वां आयत एक ही बात है, हे परमेश्वर हमको जोम का त्योम कर दे और अपना मुंह का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। सात, हे सेनाओं का परमेश्वर हमको जोम का त्योग कर दे और अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। 19वां, हे सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमको जोम का त्योग कर दे और अपने मुंह का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। रिस्टोर अस ओ लॉर्ड, मेक योर फेस शाइन ऑन अस दैट वी मे बी सेव्ड। रिस्टोर अस गॉड ऑलमाइटी, मेक योर फेस शाइन ऑन अस दैट वी मे बी saved. Restore us, Lord God Almighty. Make your face shine on us that we may be saved. एक प्रार्थना है, एक पुकार है। प्रभु हमें जोंग थ्यो कर दे, यानी कि हमें पुनस्थापित कर दे, हमें अपने जगह में वापस लौटा दे और आपके मुंह का चमक हमारे ऊपर चमका, आपके मुंह की प्रकाश हमारे ऊपर चमका दे, ताकि हमारा उद्धार हो जाए। तब ही हमारा उद्धार होगा जब प्रभु आपके मुंह का चमक हमारे ऊपर आएंगे, तब हमारा उद्धार होगा। परमेश्वर आपके क्रोध की मुंह नहीं प्रभु, झगड़ा नहीं, आपकी मुंह का प्रकाश मेरे ऊपर चमका दे, ताकि मेरा उद्धार हो जाए। सेना होंगे होवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का फेस is going to shine upon you. और उनकी चेहरा, उनके मुंह का प्रकाश आपके ऊपर चमकने जा रहा है, तो क्या होगा? You will be completely restored. आप पूरी तरीके से पुनस्थापित हो जाएगा। फिर क्या होगा? आपका उद्धार हो जाएगा और परमेश्वर का उद्धार का अनुभव आपका जीवन में आ जाएगा। इन दिनों में परमेश्वर आपको जोंग का त्यों कर रहा है, यानी कि आपको बिल्कुल पुनस्थापना कर रहा है और परमेश्वर का मुंह का चमक आपके ऊपर आ रहा है और आपको उस उद्धार की अनुभव में प्रभु लेकर जाएंगे। आप भी प्रार्थना करें, लॉर्ड आपके मुंह का प्रकाश मेरे ऊपर चमका दें, ताकि मेरा उद्धार हो जाए और मुझे पुनस्थापना करें, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर ऐसे एक सीजन में हमको लेकर आया है, हमें पूरी तरीके से रिस्टोर, हर क्षेत्र में रिस्टोरेशन, पुनस्थापना हो रहा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू, शालोम।